नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में लगातार जारी है कोरोना संक्रमण का कहर। एक साथ मिले 98 नए पॉजिटिव मरीज, आंकड़ा पहुंचा 1800 के पार। श्रावण के तीसरी सोमवारी पर शिवालयों में पसरा रहा सन्नाटा। शिवभक्तों ने मंदिर के बाहर जल अर्पण कर कोरोना से मांगी मुक्ति। पूर्णिया में ठनका की चपेट में आने से एक ही परिवार के तीन लोगों की हुई मौत, गांव में पसरा मातम। बांका में दो पक्षों के बीच भी हिंसक झड़प, एक की मौत, कई घायल। और लॉकडाउन के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं कलाकार। मुफलिसी की जिंदगी गुजर करने को है विवश। अब समाचार विस्तार से। राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन के बावजूद जिले में कोरोना संक्रमण का रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। बता दें कि लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या जिलेवासियों के लिए बुरी खबर है। सोमवार को जारी ताजा अपडेट के अनुसार भागलपुर में 98 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही भागलपुर में कुल कोरोना संक्रमितों का ग्राफ 1800 के पार हो चुका है। वहीं पड़ोसी जिला बांका एवं मुंगेर से 14 जबकि पूर्णिया से 38 संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही पटना की बात करें तो राजधानी में प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों का विस्फोट होता नजर आ रहा है। सोमवार को आई ताजा रिपोर्ट के अनुसार पटना में 197 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। साथ ही संपूर्ण बिहार की बात करें तो सोमवार को 1066 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए, जिसके बाद बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 26,000 के पार जा चुकी है। राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन के बावजूद कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से हो रही वृद्धि जिलेवासियों के लिए खतरे का संदेश है। श्रावण का पवित्र महीना शिव भक्तों के लिए खुशियां लेकर आता है, पर इस वर्ष कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर सूबे में लॉकडाउन लगाया गया है और सभी धार्मिक स्थलों को बंद रखा गया है, जिस कारण शिव भक्तों में निराशा है। वहीं श्रावण की तीसरी सोमवारी के मौके पर शहर के विभिन्न शिवालयों में इक्का दुक्का ही शिव भक्त दिखे। शिवालयों में ताला लगे रहने की वजह से भक्तों ने मंदिरों के दरवाजे पर ही देवाधिदेव महादेव को जल अर्पण किया। जिस श्रावण के मौके पर शिवालयों के बाहर बोलबम का जयघोष गूंजा करता था, जहां केसरिया वस्त्र धारण किए शिव भक्त बाबा भोले की गीत पर झूमते रहते थे, वहां कोरोना काल की वजह से माहौल उदास रहा। शिवालय की गलियों में सन्नाटा पसरा रहा। शहर में बूढ़ानाथ मंदिर, शिव शक्ति मंदिर, बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर सहित अन्य शिवालयों पर गिने चुने श्रद्धालुओं ने बाबा भोले के दरबार में अपनी हाजिरी दी और महादेव की पूजा अर्चना कर कोरोना महामारी से छुटकारा दिलाने की विनती की। बिहार में मूसलाधार बारिश के साथ ठनका की चपेट में आने से 17 लोगों की मौत हो गई। वहीं पूर्णिया में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत वज्रपात से हो गई। जानकारी के अनुसार रविवार को पूर्णिया धमदाहा थाना क्षेत्र के विशनपुर पंचायत सिंघाड़ा पट्टी गांव में घर के समीप खलिहन में काम करने के दौरान एक ही परिवार के तीन लोग आसमानी बिजली के शिकार हो गए, जिसमें पिता सहित पुत्र और पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान 55 वर्षीय कैलाश मंडल, 18 वर्षीय पुत्र दिलखुश मंडल और 19 वर्षीय पुत्री निशा कुमारी के रूप में हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही धमदाहा पुलिस और अंचलाधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ ने मृतक के परिजनों को आपदा के तहत सहायता राशि उपलब्ध कराने की बात कही है। बांका अमरपुर थाना क्षेत्र के गंगापुर गांव में दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में एक वृद्ध व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि मृतक के पुत्र भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। वहीं दूसरे पक्ष का भी एक व्यक्ति घायल है। मृतक रविंद्र मंडल के पौत्र अविनाश ने बताया कि राजू मंडल, कुर्चा मंडल समेत अन्य लोग रात में चलने वाले ट्रक से लूटपाट करते थे और उनके दरवाजे पर ही बैठकर लूटी गई राशि का बंटवारा करते थे, जिसका विरोध करना उसके दादा को महंगा पड़ गया। रविवार की रात राजू मंडल अपने सहयोगियों के साथ उसके घर पहुंचा और शराब पीने के लिए उसके दादा से रुपए मांगने लगा। जब दादा ने रुपए देने से इनकार कर दिया, तब उन लोगों ने उन्हें बुरी तरह पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दादा को बचाने आए अविनाश के पिता विजय मंडल एवं चाचा अजय मंडल भी जख्मी हो गए, जबकि दूसरे पक्ष के राजू मंडल भी घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया गया है, जहां डॉक्टरों ने रविंद्र मंडल को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही अमरपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल राजू मंडल को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। कौन बाबू, कौन मारा? इसका पंचू भाई है, एक बाप।
क्यों मारा? कोई जमीन विवाद था? उसका 10-15 को रिश्तेदार भी आया, उसने भी मिल के मार दिया। किसको मारा? मेरे दादा को, मेरे पूरे परिवार को भी। देश में कोरोना महामारी से बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन से न केवल फिल्मी कलाकार और रंगकर्मी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, बल्कि संगीत से जुड़े लोगों की भी हालत बहुत खस्ता हो गई है। छोटे कलाकारों का जीना मुहाल हो गया है और उनके परिवार के समक्ष खाने के लाले पड़ गए हैं। वहीं भागलपुर पर्वती के नवा टोली में रहने वाला मशहूर शहनाई वादक का परिवार भी भुखमरी के कगार पर आ खड़ा हुआ है। लॉकडाउन के कारण शहनाई वादक उस्ताद इल्लाह खान के परिवार के सामने विकराल स्थिति उत्पन्न हो गई है और यह परिवार पिछले 2 दिनों से दाने दाने को तरस रहा है। वहीं सरकारी सहायता या राहत की बात करें तो इस परिवार के पास एक राशन कार्ड भी नहीं है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि लॉकडाउन में 12 सदस्य परिवार को क्या परेशानियां होती होगी। राष्ट्रपति, बिहार सरकार और देश के कोने कोने से कई पुरस्कार पाने वाले मशहूर उस्ताद इल्लाह खान की पत्नी नजमा खातून ने बताया कि वह अपने 6 बच्चों के साथ मुफलिसी की जिंदगी गुजार रही है, लेकिन आज तक उनके परिवार की किसी ने सुध तक नहीं ली। वहीं उस्ताद इल्लाह खान के छोटे भाई नजाकत अली ने बताया कि 7 मई 2018 को सहनाई के सहनशाह दुनिया से रुखसत हो गए, जिसके बाद उनका परिवार आर्थिक तंगी और बदहाली से जूझ रहा है। वहीं परिवार के सभी सदस्य शहनाई वादक उस्ताद इल्लाह खान के पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और सहनाई से जुड़ी यादों को संजोए हुए हैं। हम आपको बता दें कि दुर्गा पूजा के अवसर पर भागलपुर के बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में पिछले 30 वर्षों से उस्ताद इल्लाह खान की सहनाई गूंजती थी। हो रही है कि जब तक मेरे शौहर थे तो बहुत अच्छा चल रहा था, शौहर के ना रहने के बाद अब कोई मतलब की ख्याल बात नहीं है। 2 बेटी है मेरी, पढ़ाई लिखाई छूट गई है, खाने पीने में दिक्कत आ गया, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, हम कहाँ जाएंगे बताइए, आए और कैसे हम शादी ब्याह लड़कियों का करें, पढ़ाई लिखाई चली गई है, इतना दिक्कत हो गया है उनको मरने से, मर गए हैं लेकिन कुछ भी कोई ध्यान सरकार नहीं दे रही है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा कि क्या करेंगे। परेशानी क्या पूछना सर, 2-3 दिन हो जाता है, खाना पीना सही ढंग से नहीं मिलता है, अब इसके आगे आप क्या पूछ रहे हैं, क्या चाहते हैं? सरकार कोई ध्यान नहीं दे हम लोगों को, ऐसे ही मरे हैं हम लोग, 2 बेटी हैं और ये गार्जियन के रूप में हम उनके चचा हैं, बस हम ही चला रहे हैं, किस तरह चल रहे हैं। सरकार को चाहिए कि हम लोगों की कुछ सहायता करे, कुछ मदद करे। और वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे, डॉक्टर शशिकर एमडी, रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी एमआरआई स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सीटी स्कैन,
अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा। डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच। डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG। अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में सड़क हादसे में लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ताजा मामला शहर में नए बने बाईपास की है, जहां रविवार की देर रात बालू लोड ट्रक पलट गई, जिसके बाद बाईपास पर आवागमन बाधित हो गया। स्थानीय लोगों की माने तो ओवरलोड एवं जर्जर सड़क की वजह से ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और ट्रक सड़क के बीचों बीच पलट गई। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। वहीं बाईपास थाना पुलिस ट्रक के ओनर का पता लगाने में जुट गई है। बता दें कि नवनिर्मित बाईपास की स्थिति बदहाल हो चुकी है, जिस कारण बाईपास पर सड़क दुर्घटना में काफी वृद्धि हुई है। बाईपास में रात में 1:30 बजे 10 चक्का गाड़ी पलटी हुई है। आए दिन रोज होता है ऐसा घटना, अब बराबर होते रहता है। इसमें गड्ढे के कारण आप खुद देख रहे हैं कि कैसा माहौल चल रहा है। अभी रास्ता देखिए, खड्डा कितना बड़ा बड़ा है, जिसके कारण देखिए ओवरलोड गाड़ी सब पलट रही है। बांका बौंसी थाना क्षेत्र के दुर्गा मंदिर पुरानी हाट के समीप पानी भरे गड्ढे में डूबने से एक मासूम की मौत हो गई। मृतक बच्चे की पहचान बौंसी निवासी भूसी साह के 6 वर्षीय पुत्र छोटू कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि रविवार की दोपहर छोटू खेलने के दौरान गुम हो गया, जिसके बाद परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। वहीं परिजनों ने पुत्र के गायब हो जाने की सूचना बौंसी पुलिस को दी। सोमवार की सुबह स्थानीय लोगों ने हाट परिसर स्थित पानी भरे गड्ढे में बच्चे के शव को तैरते देखा, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर घटना से आक्रोशित लोगों ने कहा कि हाट के निर्माण के दौरान संवेदक ने एक बड़ा गड्ढा खोदकर छोड़ दिया था, जिसमें बारिश का पानी जमा होने से यह हादसा हुआ है। वहीं बौंसी सीओ गोपीनाथ मंडल ने आपदा के तहत पीड़ित परिवार को सहायता राशि देने की बात कही है। पटना से चोरी हुई पिकअप वैन को अमरपुर पुलिस की सक्रियता के कारण महागामा मोड़ के समीप सोमवार को बरामद कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार पटना से चोरों ने पिकअप BR01G D9525 लेकर फरार हो गए, पर चोर पिकअप में GPS लगे होने की बात से बिल्कुल अनजान थे। पिकअप मालिक नागेश्वर सिंह ने GPS लॉक करते हुए घटना की जानकारी अमरपुर थाना को दी। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष कुमार सन्नी ने पुलिस बलों के साथ महागामा मोड़ के समीप वाहन को खदेड़कर पकड़ लिया, जबकि पुलिस को देखते ही वाहन चोर फरार हो गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि पिकअप मालिक को वाहन मिल जाने की सूचना दे दी गई है। बांका फुल्ली डूमर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के नामांकित छात्र छात्राओं के अभिभावकों के बीच सोमवार को MDM का चावल वितरित किया गया। जानकारी के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के छात्र छात्राओं के बीच 10 किलोग्राम एवं कक्षा 6 से 8 के छात्र छात्राओं के बीच 12 किलोग्राम चावल का वितरण किया गया। वितरण का कार्य MDM RP विक्रम कुमार एवं वरीय साधन सेवी अशोक कुमार यादव ने किया। इस संबंध में MDM RP ने बताया कि लॉकडाउन के कारण विद्यालय बंद रहा, जिस कारण बच्चे MDM से वंचित रहे। सरकार के निर्देशानुसार मई जून एवं जुलाई महीने में 80 दिनों के लिए कक्षा 1 से 5 में नामांकित बच्चों को 10 किलोग्राम एवं कक्षा 6 से 8 के बच्चों को 12 किलोग्राम चावल का वितरण किया गया। चावल का वितरण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चों के अभिभावकों को किया गया। विक्रम कुमार ने बताया कि कई विद्यालयों में लॉकडाउन से पूर्व का चावल अवशेष है, साथ ही 19 जुलाई से विद्यालयों में MDM चावल की आपूर्ति की जा रही है। जहां चावल उपलब्ध हो चुका है, वहां सोमवार को चावल का वितरण किया गया। इस दौरान मध्य विद्यालय पड़ावचक के प्रभारी मोहम्मद अजीजुल रहमान, सहायक शिक्षिका मंजू कुमारी, विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव प्रदीप महोली सहित अन्य विद्यालय कर्मी मौजूद थे। बरसात आते ही भागलपुर वासियों को नई परेशानी सताने लगती है। बारिश का मौसम यहां के लोगों को सुहाना नहीं बल्कि समस्या लगती है। भागलपुर जिले में नाथनगर प्रखंड अंतर्गत भतौड़िया पंचायत के वार्ड नंबर 8 के मुख्य मार्ग पर पानी निकासी का कोई साधन नहीं है, जिस वजह से बारिश के दिनों में सड़कों की विकट परिस्थिति हो जाती है और लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आते जाते हैं। आवागमन में हो रही विकराल समस्या के बावजूद स्थानीय जनप्रतिनिधि इसके ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं।
नाले का पानी सड़क पर आ जाने से महामारी के साथ साथ अन्य बीमारी फैलने का भी खतरा बना रहता है, जिससे आक्रोशित लोगों ने स्थानीय जनप्रतिनिधि के कार्यशैली पर कई सवाल खड़े कर दिए। सड़क की बदहाल स्थिति को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार सुशासन की सरकार के भरोसे नहीं बल्कि भगवान भरोसे चल रही है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पूरे राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए पुलिसकर्मी विभिन्न चौक चौराहों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चला रहे हैं, साथ ही लोगों को घरों से अनावश्यक न निकलने की हिदायत भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को बांका जिला के अमरपुर प्रखंड में विशेष रूप से पुलिस और प्रेस लिखे वाहनों की चेकिंग की गई। बांका एसपी के निर्देश पर अमरपुर में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान दोपहिया एवं चार पहिया वाहन चालकों के हेलमेट, सीट बेल्ट, लाइसेंस के साथ साथ मास्क की भी चेकिंग की गई और कई लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों ने सभी लोगों से मास्क लगाने एवं साफ सफाई का विशेष ख्याल रखने की अपील की। मानसून आते ही जिले में कई स्थानों पर सड़कों पर नाले का पानी बहने लगता है। अमरपुर प्रखंड के फतेहपुर पंचायत ग्राम सिमरपुर की सड़कें हल्की बारिश में ही नाले में तब्दील हो जाती है, जिस कारण ग्रामीणों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही जल जमाव के कारण डेंगू एवं मलेरिया जैसी बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। जल जमाव से परेशान ग्रामीणों ने बताया कि वार्ड नंबर 11 की सड़कें पूर्ण रूप से नाले में बदल चुकी है, जहां आने जाने में बच्चे एवं बूढ़ों को काफी तकलीफ होती है। साथ ही कई बार लोग दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं, जबकि कई बार मामले की शिकायत करने के बाद भी वार्ड सदस्य के द्वारा किसी भी प्रकार का निराकरण नहीं किया जा रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने वार्ड सदस्य वीरू तांती के कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए पार्षद पर मनमानी करने का आरोप लगाया एवं ग्रामीण मिथिलेश कुमार, युगल किशोर, नीलेश कुमार कुशवाहा, विपिन तांती, कुंदन तांती, प्रमोद मंडल सहित सभी ग्रामीणों ने जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की अपील पार्षद से की। क्या है कि नाली नुली यहाँ है ये ना है, वार्ड जैसे मर्जी करता है काम करने देता है, वो बोलता है कि जो करेंगे हम ही करेंगे, हम डिप्टी सीएम बन गए, हम डायरेक्टर बन गए, हम कलेक्टर बन गए, वो वार्ड तो अपने आप सोचता है कि यही है हम जो है हम ही है। पानी जल जमा पूरा गांव में है, जिस तरफ जाइए यहाँ पे 150 घर तांती का आबादी है और जिधर जाइएगा आपको उधर ही पानी पानी मिलेगा। और अंत में चलते चलते एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में लगातार जारी है कोरोना संक्रमण का कहर, एक साथ मिले 98 नए पॉजिटिव मरीज, आंकड़ा पहुंचा 1800 के पार। श्रावण के तीसरी सोमवारी पर शिवालयों में पसरा रहा सन्नाटा, शिव भक्तों ने मंदिर के बाहर जल अर्पण कर कोरोना से मांगी मुक्ति। पूर्णिया में ठनका की चपेट में आने से एक ही परिवार के तीन लोगों की हुई मौत, गांव में पसरा मातम। बांका में दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प, एक की मौत, कई घायल। और लॉकडाउन के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं कलाकार, मुफलिसी की जिंदगी गुजर करने को है विवश। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।